गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 7:45 हो रहे हैं और अभी मैं ऊपर में गई थी तो ऊपर में ऐसा लग रहा है जैसे हिचकिचाहट नहीं होती, पोल्यूशन की वजह से पोल्यूशन हो रहा है था, सुबह सुबह ज़्यादा हो रहा था तो गले में अजीब सा हिचकिचाहट थी, आँखों में मिर्ची थी ऐसे लग रही थी। मैं ये लगा देती हूँ मॉर्निंग में मशीन। तो मैं इसको वॉश कर लूँगी इन सबको, अभी इन्हें झाड़ लेते हैं अच्छी तरह ताकि मशीन के अंदर कोई कूड़ा नहीं फंसे, डस्ट ना फंस जाए। ये वॉश हो जाएंगे बस, अब इसको मैं हाथ से ही धोऊंगी क्योंकि ये कारपेट टाइप का है। एक वहाँ पड़ा हुआ है वो बड़ा वाला गेट के पास, अभी तो खैर अंधेरा हो रहा है, सब सो रहे हैं। को मैंने इतने पानी में डुबो दिया है, अब इसके ऊपर मैं सरफ डाल दूंगी, काफ़ी गंद हो रहा था ये काफ़ी, ये मैं इसको भिगोने के लिए डाल दूंगी सरफ। अब ये इतना फूल जाएगा पानी में। ये हाथ से धुलता है ये कारपेट का, मैं हाथ से ही धोती हूँ इसको। अब ये धुल जाएंगे सारे, वॉश हो जाएंगे ये। ये भीगने के लिए रख दिया इतने सरफ में। ये जो वक्त होता है ना सुबह सुबह हम जब, बहुत अच्छा लगता है जब सब सोए हुए होते हैं, ये वक्त आप अपने लिए निकाल सकती हैं। आप सुबह उठें, अर्ली मॉर्निंग उठें, फिर आप जो चाहें, ये फालतू के से काम होते हैं सुबह सुबह, फिर तो दुनिया की गहमी, ये वो, ये दो, इसके लिए वो करो, ये करो, वो करो, सारा टाइम ऐसे निकल जाता है और फिर रात में आप थक के सो जाते हो। तो जो ये मॉर्निंग का टाइम होता है, सुबह सुबह उठो बिल्कुल सुकून से, सारी चीज़ें सुबह में कर लो, जो पढ़ाई की होती है, जो जो पढ़ते हैं सब लोग अपना वो पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद अपना जो काम एक्स्ट्रा होता है वो मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ। सुबह का जो टाइम होता है वो साथ में बैठ के चाय भी पीने का होता है, आराम से सुकून से आप चाय पिए के बैठ सकते हैं, चाय पीने कपल्स वगैरह जो होते हैं साथ में, जैसे मम्मी पापा हुए या भाभी भैया हुए या जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो आराम से बैठ के सुबह सुबह क्या होता है, जेंट्स अपने काम पे निकल जाते हैं, लेडीज़ अपने कामों में लग जाती हैं, बच्चों में लग जाती हैं, इसमें लग जाते हैं, तो सारा कुछ ऐसे ही टाइम निकल जाता है। ये जो मॉर्निंग का होता है ये बड़ा अपने लिए होता है, तो मेरा जो टाइम होता है वो मेरे लिए यही का टाइम होता है क्योंकि मुझे सारा दिन काम वाम में मैं लगी रहती हूँ, फ्री टाइम होता है तो मैं ऐसे काम करती रहती हूँ सुबह सुबह उठकर पूरा दिन को, मतलब सुबह में कभी कुछ कभी कुछ मैं लेकर ऐसे काम में बैठ जाती हूँ जो जो मुझे करना होता है। ये देखिए ये कितना क्लीन हो चुका है, मैंने इसे ब्रश से भी मसल दिया है बैठ कर, इससे क्लीन हो जाता है। हम इसको यहाँ काम लेंगे। जब मुझे अकेले ही करना होता है ये काम तो फिर मैं इस तरह ही करती हूँ क्योंकि अकेले में ऐसे ही होता है, ठंड
ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है अकेले। अभी ये को ला रही हूँ उसको। ये तो गलत हो गया भाई। लो भाई सुबह सुबह सन भी निकल गया है, कितना खूबसूरत सन निकल रहा है। पोल्यूशन की वजह से धूप नज़र नहीं आ रही है, सन तो है पर धूप नहीं है। मौसम ऐसा हो रहा है जैसे कितनी सर्दी हो रही है पर सर्दी नहीं है अभी, लेकिन पोल्यूशन है की वजह से सन भी ऐसा हो रहा है जैसे सन को भी ठंड लग गई होगी। तो भाई दोनों मैट डोर धुल गए हैं, बाकी मशीन में धुल रहे हैं छोटे छोटे। ये क्लीन हो चुका है बिल्कुल क्लीन। बहुत हैवी हो रहा है हैवी था पर हो गया। यहाँ से क्लीन कर देता हूँ बिल्कुल। चलो भाई हो गया सुबह सुबह, ये सन भी निकल आया है। काम सुबह का बस, अब जो मेरा काम होगा यहाँ से भी क्लीन हो चुका है सब। मेरा जो काम है वो रह गया है उस नाश्ते का खाने का, बस अब जब सब उठेंगे तब देखूंगी। ये देखो कितना क्लीन हो गए हैं। ये है चने और खसखस, इसे पीस लेती हूँ मैं। ये चने और खसखस पीसे हुए, ये प्याज और हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, गरम मसाला। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी, इसके कोफ्ते बन जाएंगे। लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट है, लाल मिर्च पाउडर और ये हल्दी है, पिसा हुआ धनिया, और इसको मैं भून दूंगी। तेल गरम हो चुका है, चाय बकरी और दही हो गए हैं, कोफ्ते बन गए हैं। ये तो भाई हो गए हैं ये कोफ्ते रेडी। ये देखिए चिकन कोफ्ते, तो मैं ये शॉप पे आई हूँ पर्स की, तो मुझे पर्स की ज़रूरत थी, पोटली वाला पर्स मैं यहाँ देख रही हूँ अगर मिल जाता है। पोटली वाला पर्स मिल तो गया है पर ये रेड है, मुझे गोल्डन चाहिए।
लिए मैं ले आई हूँ चप्पल, ये कुछ शॉपिंग की है, घर का सामान, मेरा सामान हो रहा था ख़त्म, मेरा ये सामान ख़त्म हो रहा था, छोटी छोटी चीज़ें, ये नेकलेस है, ये डॉल्फिन वगैरह, ये जूड़े थे, ये कंगन वगैरह की सेट है, और एक ये जो अच्छा लग रहा था देखने में, ये पॉली बैग, और बहुत सारी चीज़ें ये हेयर की लेकर आई थी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम से ख़त्म हो रहे थे ये स्किन विन वगैरह, देखिए ये सब बालों के, ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे पास हो रही थी ख़त्म, तो सोचा कि चलो बालों के लिए ये कर लेती हूँ मैं शॉपिंग। तो गाइस मार्केट में तो बहुत ही रश था दिवाली की वजह से, बहुत ज़्यादा रश था, पता नहीं था कि इतना रश होगा, ये छोटी छोटी चीज़ें भी लानी ज़रूरी थी और ख़त्म भी हो रही थी इसी वजह से, और दिवाली की शॉपिंग चल रही है इसी वजह से रश भी था, और बहुत अच्छी लग रही थी मार्केट की सजी हुई थी। तो ये गाइस कैसी लग रही है, ये मेरी चूड़ियाँ हैं, ये सारी साड़ी तो एक साथ नहीं पहनूंगी खैर मैं, लेकिन देख लेती हूँ पहन कर करते हैं आज के ब्लॉग का यही एंड। एंजॉय योर गुड लाइफ एंड बाय, गुड नाइट।